यथार्थ यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। आज बाप दादा देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुबन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं, तो नयो नयो को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है, और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्म स्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में यह संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा, तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर अच्छा लगता है और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुहता में नहीं जाएंगे लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं। लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं और देखा जाता है कि जब शुरू शुरू में आते हैं तो अशांति से संग होते हैं, अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर पानी के मिल जाए तो वह बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी रहती है, लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश है, उसमें फर्क आ जाता है। इस सीजन में नए नए बहुत आए हैं और चांस भी मिला है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देख खुशी होती है कि ये फिर से अपने परिवार में बहुत पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर है वह नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि बाप जो है जैसा है वैसे अनुभव नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ है तो हाथ सब उठाएंगे। हाथ उठाना तो बहुत सहज है, लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा करते हो कि वो सर्वशक्तिमान है, ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सर्वशक्तिमान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है।
तो आते फिर कहाँ से है? कोई और जगह है? चोर लोग जो होते हैं वो अपना स्पेशल गेट बना लेते हैं, चोर गेट होता है। तो आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो, नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता है। तो चेक करो कि माया ने कोई चोर गेट तो नहीं बना कर रखा है। और गेट बनाती भी कैसे है मालूम है? आपको जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे वो नहीं, वो तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर है तो आप कितना भी गेट बंद करो लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, भूल भी होता, कर्म भी हो जाता है। तो गेट खुला हुआ है ना, अभी तो माया आई, फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिमान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है, नहीं ना तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ है, लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता। कई समझते हैं हमारे में पहनने खाने या रहने का ऐसा तो कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो माया लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप में लाती है। वो रॉयल लोभ क्या है? चाहे स्टूडेंट हो, चाहे टीचर हो, माया दोनों में रॉयल लोभ लाने का फुल पुरुषार्थ करती है। मानो स्टूडेंट है, बहुत अच्छा निश्चय बुद्धि, सेवादारी है, सब में अच्छा है, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो ये रॉयल लोभ आता है कि मैं इतना कुछ करता हूँ, सब रूप तरह से मददगार हूँ, तन से, मन से, धन से, जिस समय चाहिए उस समय सेवा में हाजिर हो जाता हूँ, फिर भी मेरा नाम कभी भी टीचर वर्णन नहीं करती है कि ये जिज्ञासु बहुत अच्छा है। अगर मानो ये भी नहीं आवे तो फिर दूसरा रूप क्या होता है? अच्छा, नाम ले भी लिया तो नाम सुनते सुनते मैं ही हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही कर सकता हूँ, वो अभिमान के रूप में आ जाएगा। यहाँ बहुत काम करके आए और किसी ने आपको पूछा भी नहीं, एक गिलास पानी भी नहीं पिलाया, देखा ही नहीं, अपने आराम में या अपने काम में बिजी रहे। तो ये भी आता है कि करो भी और पूछे भी कोई नहीं, तो करना ही क्या है? करना या ना करना एक ही बात है, पूछने वाला तो कोई है नहीं। इससे आराम से घर में बैठो, जब होगा तब सेवा करेंगे। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार का विकारों का रॉयल रूप आता है। और एक भी विकार आ गया ना, मानो लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया, या अपने मानने तक का हमारी मान्यता हो उसका भान आ गया, तो यहाँ एक विकार होता है, वहां उनके चार साथी छिपे हुए रूप में होते हैं। और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो हैं वो भी समय प्रमाण अपना चांस लेते रहते हैं। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्या हो गया है। माया चोर गेट से आ गई, ये है पता, ये नहीं कहो पता नहीं। और टीचर को भी आता है, टीचर को क्या चाहिए? सेंटर अच्छा हो, कपड़े भले कैसे भी हो लेकिन सेंटर थोड़ा रहने लायक हो तो अच्छा हो, और जो साथी हो वो अच्छे हो, स्टूडेंट अच्छे हो, बाबा की भंडारी अच्छी हो। अगर अच्छा स्टूडेंट चेंज हो जाए तो दिल थोड़ा धड़कता है। फिर समझते हैं
कि क्या करें, ये मददगार था, अभी वो चला गया। मददगार जिज्ञासु था, वह बाप था, बाप है, तो उस समय कौन दिखाई देता है, जिज्ञासु या बाप? तो ये रॉयल माया फाउंडेशन को हिलाने की कोशिश करती है। अगर आपको निश्चय है, शक्तिमान साथ है, तो बाप किसी ना किसी को निमित्त बना ही देता है। कोई फिर सोचते हैं, हमें कम से कम एक बार आबू की कॉन्फ्रेंस में या किसी बड़ी कॉन्फ्रेंस में चांस मिलना चाहिए। चलो और नहीं, योग शिविर तो कर लें, ये भी तो चांस होना चाहिए ना। चलो भाषण नहीं करें, स्टेज पर तो आवे, आखिर विनाश हो जाएगा। क्या विनाश तक भी हमारा नंबर नहीं आएगा? नंबर तो आना चाहिए ना। लेकिन पहले भी बाप दादा ने सुनाया कि अगर योग्य है, चांस मिलता है, तो खुशी से करो। लेकिन ये संकल्प करना कि हमें चांस मिलना चाहिए, ये भी मांगना है। चाहिए चाहिए, ये है रॉयल मांगना। ये होना चाहिए, ये हमें पहचानते नहीं है। दादी दादियां भी सभी को पहचानती नहीं, जो आगे आते हैं उसको आगे कर लेते हैं। तो ये संकल्प आना, ये भी एक सूक्ष्म मांगना है। लेकिन बाप दादा ने सुना दिया है कि मानो आप स्टेज पर आ गई, या आपकी कोई भी विशेषता के कारण योग नहीं भी है, अवस्था इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बोल में, कैचिंग पावर में विशेषता है, तो चांस मिल जाता है। क्योंकि किसी की वाणी में मिठास होता है, स्पष्टता होती है और कैचिंग पावर होती है। तो यहाँ के वहां के मिसाल वैराग्य कैच करके सुनाते हैं। इसीलिए उन्हों का नाम भी होता है, कौन चाहिए, फलानी चाहिए, कौन आवे, फलानी आवे। चाहे योग में कच्ची भी हो, तो इस पर नंबर फाइनल नहीं होने हैं। जो फाइनल नंबर मिलेंगे, वो ये नहीं होगा कि इसने कितने भाषण किए या इसने कितने स्टूडेंट में सेंटर बनाए हैं, लेकिन योग्य कितनों को बनाया है। सेंटर बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन योग्य कितनी आत्माओं को बनाया। नाम हो गया 30 सेंटर के इंचार्ज है, और 30 में से 15 हिल रहे हैं, 15 ठीक है, तो फायदा हुआ या सिर्फ नाम हुआ? सिर्फ नाम होता है कि फलाने के 30 सेवा केंद्र हैं, लेकिन नंबर इसमें नहीं मिलेंगे। फाइनल नंबर जितनों को सुख दिया, जितना स्वयं शक्तिशाली रहे, उसी प्रमाण मिलेंगे। इसीलिए ये भी चाहिए चाहिए खत्म कर दो, नहीं तो योग नहीं लगेगा। रोज यही देखते रहेंगे कि फलानी जगह प्रोग्राम हुआ, मेरे को फिर भी नहीं बुलाया। अभी परसों यहाँ हुआ, कल वहां हुआ, आज यहाँ हुआ, तो योग लगेगा या गिनती होती रहेगी? तो मुख्य बात, जो यथार्थ निश्चय है, उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूं और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में, कर्म में आना चाहिए। बाप सर्वशक्तिमान है, शक्तिमान है, क्योंकि उससे ऊपर कोई है नहीं। तो बाप है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, लेकिन इस निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। क्या करें, बाबा हो गया, आप तो रहम दिल हो, रहम कर दो। तो ये क्या हुआ, ये भी रॉयल पश्चाताप है। साथ है तो किसी की हिम्मत नहीं। निश्चय बुद्धि का अर्थ ही है विजयी। अगर कोई हिसाब किताब भी आता भी है, तो मन को नहीं हिलाओ, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। चलो आया, फट से उसको दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो। कोई भी निरंतर योगी नहीं है, कुछ समय योगी हैं और कुछ समय युद्ध करने वाले योद्धे हैं। लेकिन अपने को कहलाते क्या हो,
योद्धे की योगी कहलाते तो सहज योगी हो। तो नए जो भी आए हैं उनको बाप दादा फिर से भाग्य प्राप्त करने की मुबारक देते हैं, लेकिन मुबारक के साथ ये चेक भी करना कि फाउंडेशन नंबर वन है या नंबर दो का है। कई कहते हैं ज्ञान योग बहुत अच्छा लगता है, अच्छा है वो तो ठीक है, लेकिन कर्म में लाते हो। ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा ये कहना नहीं, ज्ञान का अर्थ है समझ। समझदार जैसा समय होता है वैसे समझदारी से सदा सफल होता है। कभी भी देखो जीवन में दुख आते हैं तो क्या सोचते हो, पता नहीं मुझे ये क्यों नहीं समझ में आया, यही कहेंगे। तो समझदार हो, ज्ञानी हो, बोलो हाँ या ना। हाँ जी हाँ तो बहुत अच्छी बोलते हैं, समझदार की निशानी है कभी धोखा नहीं खाना, ये है ज्ञानी की निशानी और योग की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन भी हो और क्लियर भी हो, योगी कभी नहीं कहेंगे पता नहीं पता नहीं, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर है और धारणा स्वरूप की निशानी है सदा स्वयं भी डबल लाइट। कितनी भी जिम्मेवारी हो लेकिन धारणा मूर्त सदा डबल लाइट, चाहे मेला हो चाहे झमेला हो दोनों में डबल लाइट। और सेवाधारी की निशानी है सदा निमित्त और निर्माण भाव। तो ये सभी अपने को चेक करो। कहने में तो सभी कहते हो ना कि चारों ही सब्जेक्ट के गॉडली स्टूडेंट हैं, तो निशानी दिखाई देनी चाहिए। तो नए नए क्या करेंगे, अपने निश्चय को और पक्का करना, नहीं तो फिर क्या होता है 2 साल चलेंगे 3 साल चलेंगे फिर वापस पुरानी दुनिया में चले जाएंगे, और फिर जो वापस जाते हैं वो उस दुनिया में भी सेट नहीं हो सकते, ना इस दुनिया के रहते ना उस दुनिया के। इसीलिए अपना फाउंडेशन बहुत पक्का करो, अनुभव करो सर्वशक्तिमान बाप साथ है। बस एक बात भी अनुभव किया तो उसमें पास हो जाएंगे। रिवाजी प्राइम मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर हैं, उसके साथ का भी नशा रहता है, ये तो सर्वशक्तिमान है। अच्छा तो इस कल्प में पहली बारी आए हैं वो हाथ उठाओ, जो पहली बार आए हैं वो सदा खुश रहना और सदा आबाद रहना। अच्छा टीचर्स भी बहुत आती हैं, एक साल में कितने चांस मिलते हैं, एक ही मिलता है, 12 मास को 13 मास तो कर नहीं सकते। बाप दादा को तो दिल होती है टीचर्स ऐसे रिफ्रेश हो जाएं, शक्तिशाली बन जाएं, जो किसी भी सेंटर पर कोई भी जाए तो एक आत्मा भी कमजोर नहीं दिखाई दे। निर्विघ्न सेवा केंद्र उसको भी मार्क्स मिलती हैं। बाप दादा इसमें खुश नहीं होते कि इस जोन में 1000 सेंटर हैं, 1000 गीता पाठशालाएं हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिस जोन में कोई खिटखिट नहीं हो, कोई कंप्लेंट नहीं हो, क्योंकि वास्तव में मानो टीचर मेहनत कर रही है और कमजोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। 52 खिटखिट भी हो रही है, वातावरण वैसे का वैसे है, क्या वो सेवा है कि झमेला है? तो आए किसके लिए, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारियां किसके लिए बने, झमेले के लिए? अगर झमेला ही चाहिए तो दुनिया में बहुत जगह है, बाप दादा वहां का एड्रेस भी दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बनना माना मिलन मेला मनाना, ना कि झमेला। देखो अभी आए हो तो किस लक्ष्य से आए हो, झमेले के लिए आए हो, मिलन मनाने आए हो तो अच्छा लगता है ना। तो कभी भी कोई भी स्टूडेंट हो वह टीचर हो, है तो सभी स्टूडेंट, कभी भी झमेला नहीं करो। झमेला करना अर्थात क्या कहें बाप दादा, तो कहना भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए चाहे टीचर चाहे मधुबन, चाहे मधुबन के ऊपर सेवा केंद्र, गीता पाठशालाएं या आपके जोन के
उपसेवा केंद्र या केंद्र जो भी अपने को ब्राह्मण आत्मा कहलाते हैं, नहीं तो अपने को ब्राह्मण नहीं कहलाओ, क्षत्रिय कहलाओ। ब्राह्मण नाम को खराब नहीं करो, ब्राह्मण माना विजयी। अगर झमेला करते हैं तो क्षत्रिय हैं, ना कि ब्राह्मण। तो आज का पाठ क्या पक्का करेंगे, कौन सा संकल्प करेंगे? हर एक को मन वाणी कर्म संबंध संपर्क में झमेला मुक्त बनना है। झमेला नहीं होना चाहिए, रोज चेक करो, ये व्यर्थ संकल्प का भी झमेला है। दूसरे के साथ नहीं है लेकिन अपने मन में तो झमेला है, तो अभी क्या संकल्प करेंगे, क्या बनेंगे, बोलो झमेला मुक्त। क्योंकि डायमंड जुबली आ रही है, तो डायमंड जुबली में झमेले वाला डायमंड चाहिए क्या? आप लोग पसंद करेंगे या बहुत सुंदर डायमंड के बीच में दो चार झमेले वाले डायमंड हो तो पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इसकी बहुत सहज विधि है, मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेला मुक्त करो, दूसरे के पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सर्कमस्टांस ऐसे हैं, उसको नहीं देखो लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहां झमेला हो वहां अपने मन को बुद्धि को किनारा कर लो। आप सोचते हो ये झमेला पूरा होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी सेवा भी अच्छी, हमारी अवस्था भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन झमेला पहाड़ के समान है, क्या पहाड़ से माथा टकराना है? पहाड़ हटेगा क्या? स्वयं किनारा कर लो या उड़ती कलाम से झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ, तो पहाड़ भी आपको एकदम सहज अनुभव होगा। मुझे बनना है अमृत वेले से, ये स्वयं से संकल्प करो कि मुझे झमेला मुक्त बनना है। बाकी तो है ही झमेलों की दुनिया, झमेले तो आएंगे ही। आपकी दुनिया आपका सेवा केंद्र है, तो आपकी दुनिया ही वो है, तो वहां ही आएंगे ना। आप पेपर देने के लिए अमेरिका लंदन जाएंगी या लंदन जाएंगी क्या? सेंटर पर ही देंगे ना, तो झमेला नहीं आवे। ये नहीं सोचो झमेला मुक्त बनना है, ये सोचो हो सकता है कि वहां सेंटर पर या घर में जाएंगे तो कहेंगे कि ये झमेला तो मेरे से नहीं होगा, ऐसा तो नहीं। जब बाप ने कहा है कि पुरानी दुनिया से, पुरानी दुनिया की प्राप्तियों से अभी अपने मन और बुद्धि को ऊंचा करो। पुरानी दुनिया से अगर लंगर उठा लिया कि अभी लगा हुआ है, बंधा हुआ तो नहीं है। वो कहानी सुनाते हैं ना, तो अनजान रहना ये भी अंधकार है। वो अंधकार नहीं, लेकिन अनजान रहना भी अंधकार है। तो अंधकार में नहीं रह जाना, अच्छी तरह से चेक करो, देखेंगे ये झमेला मुक्त नंबर वन कौन सा सेवक केंद्र या मधुबन बनता है। ओम शांति। हाँ, थैंक यू सिस्टर, कल पढ़ेंगे और सब। अभी हम एक मिनट साइलेंस में रहेंगे। थैंक यू। शांति, सभी अपना मन चिंतन शेयर कर सकते हैं। हाँ, और मतलब बहन जी बोलिए आप। ओम शांति। आज बाप दादा ने यथार्थ निश्चय की परिभाषा बोली। बाबा ने कहा
दृढ़ निश्चय ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक यानि ब्रह्मा बाबा समान पहुंचना निश्चित है। बाबा ने कहा, जो यथार्थ निश्चय है कि परमात्मा मेरा बाबा है और स्वयं को भी आत्मा समझ जानना मानना और चलना और बाप को भी जो है वैसे जानना, ये है यथार्थ निश्चय। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि झमेला मुक्त होने की विधि सबसे सहज है कि पहले स्वयं को झमेले मुक्त करो, दूसरे को पीछे नहीं पड़ो। ये स्टूडेंट ऐसा है, ये साथी ऐसा है, ये सरकमस्टेंस ऐसे हैं, उसके नहीं देखो, लेकिन अपने को झमेला मुक्त करो। जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन को बुद्धि को किनारे कर लो। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अगर निश्चय है कि सर्वशक्तिमान हमारे साथ है तो किसी को भी और किसी को भी वो सर्वशक्तिमान हमारे साथ ही बना ही देगा किसी भी परिस्थिति के लिए। और बाबा ने आगे भी कहा कि संकल्प आना मतलब सूक्ष्म मांगना है। फाइनल नंबर लेने के लिए बाबा ने बताया कि आपने योग्य कितनों को बनाया है, कितनों को सुख दिया है, स्वयं शक्तिशाली रहे। अभी बाबा ने कहा कि चाहिए चाहिए को खत्म करो तो योग लगेगा। और कोई हिसाब किताब आता भी है तो मन को नहीं हिलाना, ऊपर नीचे नहीं करो। ज्ञान माना ही समझ है और समझदार समय अनुसार सफल हो ही जाएगा। बाबा ने कहा कि क्लीन और क्लियर बुद्धि योगी धारणा स्वरूप की निशानी है। डबल लाइफ, चाहे माना चाहे मेला या चाहे झमेला से। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते हो मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिमान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में लाओ। ओम शांति। उज्ज्वला बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने कहा है पहला नंबर यथार्थ निश्चय, दूसरा नंबर अच्छा लगता है, तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं, तो सेवा केंद्र का वातावरण भी पावरफुल शक्तिशाली बनाना ये हम बच्चों का काम है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने, जैसे कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, चार सब्जेक्ट हैं हमारे, चारों सब्जेक्ट की बाबा ने निशानियां बताई हैं, तो बाबा ने बोला कि यथार्थ ज्ञान की निशानी है कि यथार्थ ज्ञानी कभी भी धोखा नहीं खाएगा, और यथार्थ योगी की निशानी है कि उसकी बुद्धि सदा क्लीन और क्लियर होगी। यथार्थ धारणा स्वरूप की बाबा ने निशानी बताई कि वो सदा हर कर्म में हर परिस्थिति में डबल लाइट रहेंगे, खुद भी डबल लाइट और दूसरों को भी, चाहे कितनी भी जिम्मेवारी हो वो हल्के रहेंगे, चाहे मेला हो चाहे झमेला हो, कोई प्रॉब्लम हो सब में। और यथार्थ सेवाधारी की निशानी है कि वो सदा निमित्त और निर्माण और निर्मल भाव उस धारणा उस स्वरूप में रहेगा। तो बाबा ने कहा ये चारों ही पॉइंट, चारों सब्जेक्ट के सदा अपने में चेक करो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है सर्वशक्तिवान बाप हमारा साथ है, फिर भी माया क्यों आती है, उसके लिए बाबा ने क्या कहा है। ओम शांति। बाबा ने कहा, बाबा ने तो तीन चेकिंग के पॉइंट दिए, और बाबा ने कहा कि तीन तरह के जो निश्चय हैं,
पहला निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मिक स्वरूप में जान लिया, मान लिया, चलने उसी के हिसाब से चलने लगे, और बाबा जो है जैसा है उसको मानना, इसमें बिल्कुल यथार्थ निश्चय। फिर दूसरा निश्चय भी बाबा ने बताया कि ब्राह्मण परिवार अच्छा लगता है, दुनिया के वातावरण से कंट्रास्ट करते हैं तो यहाँ का अच्छा लगता है, ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, तो दूसरे जो आते हैं वो इस निश्चय के आधार पे। और तीसरे नंबर में बाबा ने बताया कि ज्ञान की गुहिता वाले नहीं जाएंगे, और कभी कभी शांति की प्राप्ति होती है लेकिन उसमें नहीं जाएंगे, उसमें उनको बस शांति के इच्छुक हैं, परिवार ज्ञान वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो बाबा ने कहा कि अपने आप को चेक करो इन तीनों में आपका कौन सा है। तो जो नंबर वन है वो निश्चय, बाबा ने कहा अगर नंबर वन निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि पवित्रता ही आत्मा का स्वधर्म है। तो बाबा कह रहे हैं अपने आप को चेक करो कि आपकी पवित्रता किस लेवल पे है। तो उसी बेसिस पे बाबा ने कहा कि अगर निश्चय फर्स्ट नंबर वाला जो यथार्थ निश्चय है तो वो पवित्रता उनको अपनाने में मुश्किल नहीं लगेगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने इसमें आगे कहा कि बाबा बाप जो है जैसा है वैसा अनुभव नहीं करते, इसलिए भी ऐसा होता है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। स्वभाव संस्कार कमजोर हो तो भी माया आ सकती है, स्वभाव कमजोर हो संस्कार कमजोर। अच्छा, कौन सा स्वभाव संस्कार? बोले जैसे कोई भी जो स्वभाव संस्कार, जैसे अभी आपने कहा कि कमजोरी है हमारी, क्योंकि हर एक का अपनी अपनी इंडिविजुअल होता है कि कौन सी कमजोरी है, तो वो कमजोरी अपने स्वभाव संस्कार के रूप में जब आती है, जैसे बाबा ने आज एग्जांपल्स में दिए हैं, जैसे अभी सेवा करते हैं सेंटरों पे, कहीं भी सेवा करते हैं, करने के बाद अगर ये संकल्प आया कि हमने इतना किया लेकिन किसी ने मेरा नाम तक नहीं लिया और ना ही मुझे किसी ने पूछा, तो ये सूक्ष्म में ये रॉयल रूप की जो माया होती है ये हमारी कमजोरी है ना। तो बाबा इसको कहते हैं, और फिर इसको चेक करना है कि हमें चांस अगर एक भी विकार आ गया, माना लोभ नहीं आया लेकिन अभिमान आ गया है ना, तो ये इसको चेक करना है। और फिर बाबा ने कहा है वो चांस दे दिया तो भी छिपा हुआ जो भी है वो भी समय प्रमाण, जो माया अपना चांस लेते रहती है। फिर कहते हैं कि पहले जैसा नशा अभी नहीं है, है ना, पहले बहुत अच्छा था, पहले अवस्था बड़ी अच्छी थी, अभी पता नहीं क्यों क्या हो गया, माया चोर गेट से आ गई। तो बाबा कहते हैं पता नहीं, तो ये है माया का आने का। और फिर दूसरी बात बाबा ने कहा है कि जो यथार्थ निश्चय है उनको प्रैक्टिकल जो आधार बताए, जैसे बाप का और स्वयं का ड्रामक, उसको प्रैक्टिकल में कर्म में लाना चाहिए, है ना, कर्म में लाओ और समय पर यूज करो। और फिर बाबा के ज्ञान का अर्थ ही है समझदार बनना, है ना, और फिर जो सदा सफल होता है समझदारी की निशानी है कभी धोखा नहीं खाएंगे, और ज्ञानी की निशानी है और योगी की निशानी है सदा क्लीन एंड क्लियर रहेंगे। और फिर बाबा ने कहा है कि सदा स्वयं भी डबल लाइट रहेंगे। ओम शांति। अच्छा, माया चोर का गेट है, अभिमान है ना, सूक्ष्म अभिमान और लोभ का कारण, सो बहुत अच्छे से बताया। बोलिए अनिल जी। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि नंबर इस आधार पर नहीं बनेंगे कि कितने सेंटर्स खोले हैं, बाबा ने कहा है कि नंबर इस आधार पर बने थे कि जो है कितने सेंटर जो है वो निर्विघन है, आप कितने शक्तिशाली रहे हो और कितनों को सुख दिया है। तो बाबा ने कहा कि इस आधार पर ही बाबा फिर चेक करें, तो इसलिए किसी भी बात में बाबा ने कहा हिलना नहीं है, अचल रहना है, और चाहिए चाहिए का मांगने का संस्कार नहीं होना चाहिए। ओम शांति। हाँ जी, मांगने का संस्कार के बजाय हम दाता है ना, मास्टर दाता है,
दातापन का संस्कार, रहम दिल का संस्कार अपनाना है। हमारा ये ओरिजिनल क्वालिटी है, लेने का संस्कार नहीं, देने का। सो इसलिए कहा है सूक्ष्म चोर गेट को आप चेक करो। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहते हैं? पुरुषोत्तम भाई जी बोले। ओम शांति। साकार मुरली में एक बार वरदान आया था, शायद इसी मुरली से लिया होगा, तो उसमें ऐसा आया था कि पहाड़ रूपी समस्या से मन बुद्धि को किनारा कर बाबा से मिलन मनाने वाले झमेला मुक्त भव। तो बाबा ने कहा है कि जो रिवाइजी प्राइम मिनिस्टर रहता है उसको भी कितना नशा रहता है, तो आप तो सर्वशक्तिवान बाप की संतान हो, तो सर्वशक्तिवान के ऊपर तो कोई है नहीं, तो माया आती है, इसका मतलब है कि बाबा का साथ नहीं है। ओम शांति। थैंक यू। सो सदा बाबा का साथ रखना है ना, सर्वशक्तिवान बाप साथ है, उसका अनुभव करना, सो तभी माया नहीं आएंगे। और सो हाँ बोलिए। बाबा ने कहा है कि जो भी विकार होता है वह उसके चारों साथी छिपे हुए होते हैं, और एक को आपने चांस दे दिया तो वो छिपे हुए जो है वो भी समय प्रमाण अपना चांस ले लेते हैं। और एक बाबा ने हंसी की बात बताई कि जैसे हम बाबा के बने हैं तो झमेला करने के लिए थोड़ी बने हैं, झमेला करने के लिए थोड़ी सेंटर पर आते हैं, वो तो झमेला चाहिए तो बाबा बोला एड्रेस भी बता देंगे। ओम शांति। बहुत बढ़िया, बाबा हंसी मजाक भी करते रहते हैं मुरली के बीच में। कल्पना सिस्टर आप कुछ बोलना चाहती थे? ओम शांति। जैसे इसी झमेले में जैसे बाबा ने कहा कि जो झमेले हैं एक्चुअल में ये हमारे जो व्यर्थ संकल्प होते हैं, हमारा मन में, हमारे मन में ही है, ये हमारे मन की रचना है एक्चुअल में। तो बाबा जैसे हमारे पास जो भी हिसाब किताब है वो हमें यही इसी जन्म में, ये जो हमें ब्राह्मण जन्म मिला है, लास्ट जन्म मिला है, इसी में पूरे करने हैं। तो कई बार हम सोचते हैं कि जो शरीर के हिसाब किताब आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं, या परिवार से आ रहा है कोई पेपर, या फिर कोई साथी ऐसा है, या फिर जहाँ हम कार्य क्षेत्र में है वहां से कुछ हो रहा है, तो कई बार हम सोचते हैं किनारा कर लें। बाबा कह रहे हैं किनारा किससे करना है? मन और बुद्धि से करना है, शरीर से किनारा नहीं करना है। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि जो आप अपनी स्थिति को ऊंचा कर लो, ये पहाड़ जो है इनको ऊपर से निकलो, इनके साथ टकराओ नहीं अब संकल्प लेके। तो ये भी बाबा कह रहे हैं यहाँ पे। दूसरी बात जो बाबा ने कहा है कि चाहे आपका सेवा केंद्र है, परिवार है, आपके जो साथी हैं, आपके हिसाब किताब इनसे है, तो आप पेपर देने के लिए बाहर थोड़ी ना जाओगे, वहीं पे आपको क्लियर करना है ना। तो फिर बाबा ने कहा ये सोचना ही नहीं है कि ये झमेले नहीं आए या फिर मेरे साथ मतलब पेपर ना आए। बाबा ने कहा आपको अपनी पुरानी दुनिया, ये जो पुरानी दुनिया है, जो प्राप्तियां है, इससे अपने मन और बुद्धि को ऊंचा रखो। तो बाबा ने इसको या हमारे को ये उपाय बताया कि आप अपने मन और बुद्धि की जो स्टेज है वो ऊंची रखेंगे, तो जो भी आपको पेपर लग रहा है, चाहे शरीर से आ रहा है, परिवार से आ रहा है, किसी साथी से आ रहा है, कार्य क्षेत्र से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, आपके मन की स्टेज अगर ऊंची रहेगी तो आपको, आप इजिली पार होंगे उससे, आपको लगेगा ही नहीं कि ये झमेला है, आपके व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। बाबा ने इसकी तरफ हमारा इशारा किया है कि आपको अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने कर्म संबंध संपर्क में खुद झमेला मुक्त बनना है। ओम शांति। तो आज हम ये होमवर्क ले सकते हैं एक्चुअल में कि कहाँ कहाँ, जैसे बाबा ने कहा एक तो कि हमारा निश्चय कितना पक्का है, ये सभी चेकिंग करें कि हमारा नंबर वन निश्चय है, नंबर टू है, या जो बाबा कह रहे हैं कि तीसरे नंबर का निश्चय, कौन से नंबर का निश्चय है। अगर अभी तक हमारे मन में क्वेश्चन आते हैं, अभी तक माया आ रही है, इसका मतलब निश्चय पक्का नहीं हो। तो आज सभी ये चेकिंग करेंगे और
मन में पूरा दिन रखेंगे कि सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है, इस अनुभव में रहेंगे। जब जो रिवाजी, जैसे बाबा ने कहा है, उन लोगों को अगर कोई ऊंचा पद मिलता है, प्राइम मिनिस्टर है, कितना अच्छा होता है। हम सभी को ये नशा रहना चाहिए कि स्वयं सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। तो ये सब जो भी झमेले हैं, ये क्या चीज है? तो अपने मन और बुद्धि की स्टेज को आज सभी सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्ट रखें। अपनी चेकिंग करें, अपने निश्चय की चेकिंग करें, हमारा निश्चय क्या है। ओम शांति। तो श्वेता बहन जी कमेंट जी कर सकती हैं। ओम शांति, कुछ बोलूं मैं एक सेकंड के लिए? हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी कल्पना सिस्टर आपने बताया ना कि ये झमेले के ऊपर, तो एक पॉइंट जैसे ना कि हम बोलते से क्षत्रिय, क्षत्रिय क्या करता, वो लड़ाई वड़ाई करते हैं, तो हम भी, हमारे मन में लड़ाई चलती रहती है झमेलों की वजह से। हमारे मन में ही हम लड़ाई चलती रहती है, और फिर हमारा, हम बाबा ने कहा ना आप ब्राह्मण हो तो वो क्षत्रिय नहीं बनना है हमें, हमें ब्राह्मण ही रहना है। ओम शांति। अच्छा, निश्चय बुद्धि मानो ब्राह्मण पक्का विजयी। हाँ जी, अभी और कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहते हैं? अच्छा हाँ, बोलिए रीमा सिस्टर, बोलिए आप। थैंक यू दीदी। बाबा ने जैसे कहा कि हाँ, आपको जो कहने में तो कह देते हैं कि हाँ मुझे यथार्थ निश्चय है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना है, कि कर्म में लाना है, कि ज्ञान माना आत्मा परमात्मा ड्रामा का सिर्फ यही नहीं, लेकिन समझदार बनाना। उसके लिए बाबा ने चार पॉइंट्स बताए हैं, जैसे हमारे चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा। तो जो ज्ञानी की निशानी बताई बाबा ने कि वो समझदार होते हैं, कभी धोखा नहीं खाएंगे, और योगी की निशानी बाबा ने बताई कि सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि, उनकी बुद्धि सदा ही क्लियर रहेगी। और जो धारणा स्वरूप की निशानी बताई कि उनकी जो धारणा ज्ञान की योग की, तो वो पता चल जाएगा कि ये डबल लाइट सदा रहेंगे। और सेवाधारी की निशानी बताई कि सदा निमित्त और निर्माण। तो बाबा ने कहा कि इन चारों सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो कि अगर आपका ठीक है यथार्थ निश्चय है, तो उसको वो चीज आपके जो पुरुषार्थ से आपका रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब चारों सब्जेक्ट आपके चेहरे से चल चलन से दिखाई दे रहे हैं, तब कहा जाएगा कि वो पक्का निश्चय है। ओम शांति। ओम शांति। अभी टाइम हो रही है, कल्पना सिस्टर आप कराएंगे योग। ओम शांति जी। सभी एकाग्र होकर बैठे, अपने मन और बुद्धि को अपने मस्तक पर चमकते हुए यथार्थ स्वरूप पर एकाग्र करें। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, मेरा सत्य स्वरूप ज्योतिर्बिंदु प्रकाशमय चमकता हुआ है। मुझे ये यथार्थ निश्चय है, मैं आत्मा परमात्मा बाप की हूं। मेरे हर कर्म से स्वयं के प्रति, बाबा के प्रति, इस ब्राह्मण जीवन के प्रति संपूर्ण निश्चय
दिखाई देता है। पवित्रता मुझ आत्मा का स्वधर्म है। मैं आत्मा अपने इस संपूर्ण निश्चय से पवित्रता की धारणा को सहजता से जीवन में धारण करती हूं। स्वप्न मात्र में भी अचल अडोल परम पवित्र हूं। स्वयं सर्वशक्तिमान बाप की छत्र छाया में स्वयं को अनुभव करती हूं। बाबा के हर फरमान का पालन करती हूं। मैं इस ईश्वरीय पढ़ाई के चारों सब्जेक्ट में नंबर वन गॉडली स्टूडेंट हूं। ज्ञान के एक एक पॉइंट को अपने जीवन में धारण कर समझदार बनने वाली मैं ज्ञानी तो आत्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, इस लगन में मगन रहने वाली एक बाप के साथ अपने मन को एकाग्र करने वाली मैं योगी तू आत्मा हूं। इस जीवन में आने वाली हर परिस्थिति में, ड्रामा की हर बात में सहजता से पार करने वाली सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि वाली आत्मा हूं। इस ब्राह्मण जीवन की हर मर्यादा को धारण करने वाली दिव्य गुणों से युक्त हर कर्म में स्वयं को लाइट अनुभव करने वाली मैं डबल लाइट आत्मा हूं। सदा निमित्त और निर्माण भाव से लौकिक और अलौकिक दोनों सेवा क्षेत्र में बैलेंस रखने वाली मैं निर्माण चित्त आत्मा हूं। मैं बाबा की सच्ची सच्ची प्यारी और न्यारी गॉडली स्टूडेंट हूं। चारों सब्जेक्ट में नंबर वन परमात्म शिक्षक की स्टूडेंट हूं, उसका नाम वाला करने वाली वो हर पल मेरे साथ है, वो मुझे पढ़ा रहा है। बाबा आपको कोटि कोटि धन्यवाद
जो आपके साथ से मैं इन सब झमेलों से अपने मन और बुद्धि की ऊंची स्टेज से आसानी से पार कर रही हूं। आपको कोटि कोटि शुक्रिया बाबा, आपको कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू कल्पना सिस्टर, थैंक यू सो मच। और से श्वेता सिस्टर आपको भी बहुत धन्यवाद, और सभी को कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Om Shanti. Om Shanti. Om Shanti. Good day, all Tapasvi. Om Shanti. Good morning. Good day, everyone. Very good day to all. Good morning. Have a nice day.